अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का जो टॉपिक मैं लिख रहा हूँ, उस वीडियो के अंदर हम आप देखेंगे कि द कंसेप्ट ऑफ फॉस्टरिंग, यूज़ ऑफ फॉस्टरिंग एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉस्टरिंग। एंड इस सब से पहले से स्टार्ट करते हैं कि द लव बर्ड इज़ एन आर्ट एंड यू आर द आर्टिस्ट, सो यू हैव टू परफॉर्म दैट आर्ट। आप खुद बताएंगे कि लव बर्ड को आपने किस तरीके से मैनेज करना है और उस आर्ट को आपने कैसे डिज़ाइन करना है, ये जो आपने लव बर्ड जिसने रखे हुए हैं वो आपको बताएगा। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई इतनी टेक्निकल बात नहीं है। मैं आपको अभी एक वीडियो में आगे जाएंगे तो बता दूंगा कि किस तरीके से हम इस चीज़ को मैनेज करते हैं। और जो आपको आजकल लोग नज़र आएंगे कहते हुए कि लव बर्ड से बहुत प्रॉफिट हो रहा है, इनकम हो रहा है, तो वो कैसे इनकम हो रहा है, कैसे प्रॉफिट हो रही है और इस इंडस्ट्री ने इतना ग्रूम और इस इंडस्ट्री में इतना बूम कैसे आया, इस चीज़ के बारे में आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो के पोर्शन कंटेंट में बता देंगे जी। तो व्यूज़, आपने लोकल ज़बान में एक लफ्ज़ सुना होगा फॉस्टरिंग, जो कि एक उर्दू लोकल लैंग्वेज में कहते हैं अंडे फेरना। तो अंडे फेरने का कॉन्सेप्ट और फॉस्टरिंग, ये सेम टर्मिनोलॉजीज़ हैं और इन दोनों के अंदर कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। और कॉन्सेप्ट ये है कि आप किसी एक क्वालिटी बर्ड के पेयर के एग्स आप किसी लो क्वालिटी बर्ड, जो कि क्वालिटी में नहीं होगा, वाइल्ड बर्ड होगा, उसके नीचे आप एग्स को चेंज कर दें और वो उन चिक्स को हैच करे, उनको रेज करे और उनको फीड करवाए। तो इस प्रोसेस को ओवरऑल फॉस्टरिंग कहा जाता है। अब फॉस्टरिंग करनी कैसे है? फॉस्टरिंग करनी आपने इस तरीके से है कि आपका जो बर्ड जिससे आप फॉस्टरिंग करवा रहे हैं, होपफुली वो आपका वाइल्ड ग्रीन फिशर या रिंग आइड बर्ड के अंदर आपके पास पीच फेस आ जाते हैं, आप उनसे करवाएं, ये बेस्ट पेयर्स फॉर फॉस्टरिंग कहलाते हैं। लेट मी शो यू, दीज आर द ग्रीन फिशर्स विच आर वाइडली यूज्ड फॉर फॉस्टरिंग and these are the very best pair, one of the very best pair which are mostly used। ये जो आपको फिशर्स नज़र आ रहे हैं ग्रीन, इसका मेन जो मोटिव होता है इनको रखने का, अगर आपको समझ आ जाए कि ये फिशर्स किस कदर अहमियत के हामिल हैं तो आप इनको कभी अपनी एवियरी से निकालेंगे नहीं। ये लोएस्ट प्राइस में आपको अवेलेबल होंगे क्योंकि ये वाइल्ड बर्ड है, आपको जो जंगलों में मिलेगा वो ये क्वालिटी का इस तरह का ग्रीन फिशर मिलेगा, इसको ग्रीन फिशर कहते हैं। इस फिशर की एक क्वालिटी, क्योंकि ये वाइल्ड में वाइल्ड जीन्स हैं इसके अंदर, तो जीन्स इसकी सही स्ट्रांग होती हैं। स्ट्रांग जीन्स का जो सबसे मेजर फ़ायदा है वो आपको यही फ़ायदा है कि आप इस स्ट्रांग जीन्स से जो बच्चे पालने की सलाहियत है वो इनमें सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। और एग्स को प्रॉपर हीट देके हैचिंग इनकी सबसे बेस्ट है, इनकी और रिंग आइड के अंदर आपके पास पीच फेस आ जाते हैं उनके, जो एक कैपेबिलिटी। लेट मी शो यू कि हम इसके इसी के बॉक्स को ज़रा चेक करते हैं। मैंने इनके अंदर फॉस्टरिंग करवाई हुई है तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये आप देख सकते हैं कि रिजल्ट ये अभी इसके पास, क्योंकि मैं आपको आगे जाके वीडियो में बताऊंगा कि इसके अंदर जस्ट ग्रीन ही क्यों है, और सेकंडली एक है मेरे पास ब्लू बर्ड है बट वो अभी थोड़ा छोटा है तो इसमें शायद क्लियरली विजिबल ना हो, बट आप जैसा कि देख सकते हैं कि इसमें इधर फोर पीसेस हैं जो कि फॉस्टरिंग के लिए यूज़ हो रहे हैं। अच्छा, अब आपको मैं दिखाता हूँ जी। तो व्यूअर्स, ये पेयर देखिए। अब सबसे पहले तो आपने देख लिया कि हम फॉस्टरिंग कैसे करवाते हैं, कि हम एग्स फेर देते हैं, बट जो मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं चाहूँगा कि आप लोग जहन में रखें फॉस्टरिंग करते हुए, वो ये है कि आप जिस टाइम जिस पेयर के एग्स आप किसी पेयर के नीचे रख रहे हैं, वो एग्स उसने जो एग्स ले किए होंगे उसकी डेट और जो आप दूसरे एग्स रख रहे हैं उनकी बिल्कुल सेम डेट्स होनी चाहिए।
मतलब कि एक आध दिन का फर्क हो, दो दिन का फर्क हो, बट ऐसा ना हो कि एक आपने जो बर्ड एग्स लेकर रहा है वो उसके 10 दिन बाद किसी दूसरे बर्ड ने एग लेकर करना शुरू किया और आपने उस क्वालिटी बर्ड के एग्स उसके साथ रख दिए। अब होगा ये कि उसके जो अपने एग्स होंगे इस पेयर के, वो एग्स जल्दी 10 दिन पहले हैच हो जाएंगे। जब 10 दिन पहले उसके एग्स हैच हो जाएंगे तो उसके बाद जो आपने क्वालिटी के एग्स रखे होंगे वो एग्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, उसके बच्चे वो नहीं निकालेगा और वो पालेगा भी नहीं। एक आध अगर वो हैच हो भी जाएगा तो वो बहुत छोटा होगा, इतना छोटा होगा कि वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो आपको फॉस्टरिंग का जो एक फ़ायदा है वो बिल्कुल नहीं मिलेगा, इंस्टेड आपका टाइम वेस्ट होगा और आपका वो एग ज़ाया हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि आप फॉस्टरिंग करते वक्त एक टाइम मैनेजमेंट आप सीखें, ठीक है, कि आपने जो एग्स रखने हैं वो एक सेम टाइम के अंदर आपने एग्स रखने हैं। अब मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ कि ये एक बर्ड था मेरे पास, येलो फिशर लिटिनो परसनाटा, और लिटिनो परसनाटा का जो चिक था, एक इसके एग में से, दो चिक्स इसके अंदर एग में फर्टाइल थे। तो मैं इनको आपको दिखाता हूँ कि मैंने बहुत पहले इधर इसके साथ रख दिए और ये आपको नज़र आ रहा होगा कि दो चिक्स येलो में हैं, ठीक है, और एक ब्लू इनका अपना। तो ये तीन चिक्स ये लोग देख सकते हैं कि पाल रहे हैं। तो ये फॉस्टरिंग का फ़ायदा है कि मुझे तीनों महीने इससे फॉस्टर करके पलवा लिए चिक्स। और अब आप ये देखें कि इनको जो मैंने क्योंकि वो चिक की टाइम हैचिंग और डेट एग लेइंग की चेंज थी, तो अब आपको शायद इधर नज़र आ रहा हो कि इस ये जो अब एक चिक हैच किए इसने और पाल रहा है, ये पारब्लू, लुक व्हाट इट इज, ये पारब्लू चिक हैच करे, जो कि मेरे पास एक पेयर का फर्स्ट क्लच था। फर्स्ट क्लच को वो इतना रेडी नहीं होते तो इस वजह से वो फर्स्ट क्लच पे इतने प्रायोरिटाइज नहीं करके हैच करते तो वो अक्सर ज़ाया हो जाता। तो मैंने उसका एग इधर रोटेट करके मैंने उसको पलवा लिया। तो ये मुझे फॉस्टरिंग का फ़ायदा हुआ, इस एक लो क्वालिटी पेयर से मैंने एक एग और एक चिक रेज करवाया जो कि एक हाई क्वालिटी चिक है। तो ये आप देख सकते हैं फॉस्टरिंग का फ़ायदा होता है। तो एग्स आपके ज़ाया नहीं होते क्योंकि सीजनल ब्रीड होती है, उसके अंदर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलता है। इसी तरीके से अगर आपके पास ज़्यादा केजेस होंगे, ज़्यादा फॉस्टरिंग पेयर्स होंगे तो आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो व्यूअर्स, होप करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। आज की वीडियो इधर ही ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट टाइम हम वीडियो लेकर आएंगे और आप इनबॉक्स में या कमेंट के अंदर मुझे बता सकते हैं कि नेक्स्ट कौन से टॉपिक्स आपको चाहिए, तो वो हम इंशाल्लाह ज़रूर अपनी वीडियो में लेकर आएंगे। होप फॉर द बेस्ट, थैंक यू एंड दैट्स ऑल।